चिंग चिंग, थैंक यू। तुम आ गए? ये लो तुम्हारा सामान। थैंक यू। तुम्हें आम से एलर्जी है ना? बस थोड़ा ही तो खाया था। वो इसे नहीं खा सकती। आप लड़कियों का बहुत ख्याल रखते हैं मिस्टर गु। मैं बस चाहता हूं कि ये मुझे और परेशान ना करे। तुम दोनों चाहो तो वापस ऑफिस लौट सकते हो। ये रात भर से सोई नहीं है, इसे आराम की जरूरत है। नानजाओ, शायद तुम्हें वापस जाना चाहिए। मैं इसके पास यहाँ रुकती हूँ। बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम दोनों वापस चले जाते हैं। अच्छा, अगर तुम्हें भी काम है तो इनके साथ जा सकते हो। मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, जैसा कि एग्रीमेंट में लिखा है। हाँ जानती हूँ, पार्टी बी के साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ, लेकिन मैं आराम करना चाहती हूँ, वो भी अकेले। जल्दी ठीक हो जाऊंगी तो मेरा जो काम है वो अच्छे से कर पाऊंगी। सही कहा ना? ठीक है, अब तुम आराम करो और मुझे परेशान मत करो। हाँ ठीक है, ठीक है। जेंगिन, कहाँ हो तुम? जेंगिन, तुम आ गए? तुमने कहा था छोटी सी बात है। बस थोड़ी कमजोरी लग रही थी, पर अब मैं ठीक हूँ। तुम्हें ड्रिप लगी है, ये कोई छोटी बात नहीं। ये मुझे दो और तुम आराम करो। आराम नहीं कर सकती, देखो टाइम क्या हो रहा है, ड्राफ्ट जल्द से जल्द सबमिट करना है। चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना हो, तुम्हारी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। मेरी जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बड़ी मुश्किल से ये कंपनी मिली है जो मुझे अच्छी पेमेंट कर सकते हैं, तो मेरे लिए ये जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे नहीं जाने दे सकती। कितना काम बाकी है मुझे भेजो, मैं कर दूंगा। जो काम मैंने दिया था उसका क्या हुआ? उसकी फिक्र मत करो, वो हो गया है। स्टोरीबोर्ड भेजो। जूनियर, मुश्किल टाइम पे तुम पे ही भरोसा कर सकती हूँ। तुम्हारे साथ काम करना मतलब 24 घंटे अवेलेबल रहना, इसलिए मैं भरोसेमंद हूँ। ये तो है। अच्छा तुम्हें स्टोरीबोर्ड दिखाती हूँ। ये इसका कॉम्पोजिशन तो अच्छा है, थोड़ा इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सच में अगर यहाँ पर करती हूँ तो? एक मिनट। ये देखो, इसे भी थोड़ा बदल सकते हैं। इस तरफ? तुम्हें नहीं लगता बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा ये? मरना चाहती हो क्या? अरे ऐसे ही रहना, मुझे एक पिक्चर लेनी है सोशल मीडिया के लिए, अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा मौका है। क्या इसके लिए तुम सेहत को नजरअंदाज करोगी? अरे चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जितना तुम कह रहे हो उतना सीवियर नहीं है, इससे मुझे कोई कमजोरी नहीं हो रही है। आ रही हूँ। अगर तुम इसका ध्यान नहीं रख सकते तो यहाँ से चले जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पर ये मेरे काम में मेरी मदद कर रहा है। मेरी बात सुनो, कोई भी ड्राइंग टूल अलाउड नहीं है। तुम्हें कुछ ड्रॉ करना है तो डिस्चार्ज के बाद करना। अरे आज ही मेरे काम की डेडलाइन है। तुम अभी भी यहाँ? तो ट्रिप का खत्म होना मेरी गलती थी, और तुम्हारा क्या? उसे हॉस्पिटल में तुमने अकेला छोड़ा और अब मुझे सिखा रहे हो। क्या तुमने अपने मंगेतर होने की जिम्मेदारी निभाई है? रुको, तुम चुप रहो। तुम मुझे यहाँ से बाहर भेजना चाहते हो तो भेजो,
पर उसके काम के बारे में क्या? तुम्हें पता भी है ये प्रोजेक्ट उसके लिए कितना जरूरी है। क्या इसका मतलब वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेगी? क्या तुम जानते भी हो उसको कॉमिक्स कितने पसंद है? वो अपना सपना पूरा करने के लिए ये सब कुछ झेल सकती है। अगर तुम्हारी वजह से ये काम हाथ से निकल गया तो इन सब चीजों के लिए तुम जिम्मेदार होगे। अरे रे, रुक जाओ, प्लीज सुनो ना, ये काम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी मदद के बिना आज मैं ये काम पूरा नहीं कर पाऊंगी। मुझे ये नौकरी नहीं छोड़नी है, मैं मर जाऊंगी। क्या ये सच में इतना जरूरी है? जल्दी करो, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, शुरू करते हैं। सुनो, वो वाले पार्ट का क्या हुआ? मुझे लगता है इसे थोड़ा सा बदलना होगा। यस, हमने कर लिया, परफेक्ट। बहुत अच्छा है। अब तुम्हें जाना चाहिए। इस तरह से नहीं निकाल सकते इसे। मैं तुमसे कल मिलता हूं। अब अपना ख्याल रखना। मैंने कहा ना तुम्हें ये सब चीजें नहीं खानी है। मुझे थोड़ा स्पाइसी खाने का। ये तुम्हारे पेट के लिए ठीक नहीं। ये सब चीजें कौन लाया? ये सब जेंगिल लेकर आया है। तुम ये सब नहीं खा सकती। तो फिर मैं क्या खा सकती हूँ? सिर्फ हेल्दी खाना, जैसे कि फ्रूट्स। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। भूलो मत, मैं पार्टी ये हूँ, तुम बहस नहीं कर सकती। हेलो, क्या तुम घर पे हो? मैं कब से दरवाजा बजा रहा हूँ। तुम दोबारा क्यों आए हो? मैं काम छोड़कर तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। कहाँ हो तुम? वो मैं ऑफिस में ओवरटाइम कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारे ऑफिस आता हूँ। ग्रिल फूड ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता। नहीं,